70 साल अगर किसी ने राज किया तो अपने दम पर किया। टेक्नोलॉजी राजीव गांधी जो लेके आया वो आज तक अभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जो टेक्नोलॉजी आवाज उठाता है, जो अपनी बात कहता है, उसके यहाँ सीबीआई ईडी के लोग वहाँ पे बैठे हैं गेट के बाहर गाड़ियों के अंदर, और वो तुरंत आ जाएंगे। शीला दीक्षित जी के टाइम पे जो विकास हुआ था वो शायद ये जो अभी एक नई सरकार है बरगलाने वालों की, तो वो सोच भी नहीं सकते उसको। हमारा कितना 300-700 किसान मर गया, एक बार उनको मिलने के लिए उनके पास में समय नहीं है। पत्रकार को कोई वो समय नहीं देते हैं, अपने मन की बात सुनाते हैं और चले जाते हैं। सरकार ने नोटबंदी की तो उसको गिनवा दे कि नोटबंदी में हमें ये फायदा हो गया। सटीक खबरों का सीधा असर आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके स्टार रितेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। आप मेरे पीछे देख सकते हैं विशाल प्रतिज्ञ रैली, जिसमें जवाब दो हिसाब दो, ये कांग्रेस की अरविंदर सिंह लवली के मौजूदगी में रैली हो रही है। यहाँ पर तमाम कांग्रेसी जो है जवाब मांग रहे हैं भाजपा पार्टी से कि उन्होंने तमाम वादे जो भाजपा पार्टी ने किए थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे और तमाम वादे किए थे, तो बातचीत करते हैं पूर्व निगम पार्षद है कांग्रेस के। तो ये हाँ, ये बताइए आप क्यों जवाब मांग रहे हैं? जवाब देना होगा क्योंकि जनता जवाब मांग रही है, ये कोई पार्टी विशेष कोई जवाब नहीं मांग रही है। हाँ। आज जनता मांग रही है, जनता बहुत ऊब चुकी है और दोनों ही पार्टियों का जो आज अपने दमखम पर बहुत ऊंचा उछलने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। और जो नई नई एक पार्टी आई थी जिसके लोगों को बहकाया। हाँ। उसको भी जवाब देना पड़ेगा और गवर्नमेंट जो सेंटर में बैठी है उसको भी जवाब देना पड़ेगा। दिल्ली की जनता पक चुकी है। हाँ। या पॉल्यूशन का मामला हो, चाहे किसी भी चीज का, महंगाई का रहा, बेरोजगारी का रहा, सब में जवाब तो मांगेगी जनता। और अब जनता की शुरुआत हो चुकी है, दिल्ली से इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं, दिल्ली से शुरुआत कर रहे हैं। जनता जवाब मांग रही है और उनको जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए आज अरविंदर सिंह लवली जी और अजय माकन जी के नेतृत्व में इतनी बड़ी ये रैली है। लोगों के अंदर एक रोष है, एक बहुत बड़ा गुस्सा भी है, जिसके प्रति लोग आज सड़कों पे आ चुके हैं। और रही सही कसर जो आप देख रहे हैं, आज का माहौल देख रहे हैं, रही सही कसर बेरोजगार युवा जो आज हमारा घूम रहा है। आज आप जो है दुनिया भर के क्रिकेट के मैच दिखा रहे हैं, दुनिया भर के आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, लेकिन सही मुद्दों पर ना दिल्ली सरकार जवाब दे रही है, ना ही सेंट्रल में बैठी हुई बीजेपी की सरकार दे रही है। इसलिए लोग जनता त्रस्त है और इसलिए सड़क पर आ चुकी है। और आप देख रहे हैं, ये भीड़ देख रहे होंगे, अभी अरविंदर सिंह लवली जी और अजय माकन जी आ रहे हैं। और इस बात का जवाब, सरकार आपके गठबंधन में है तो उनसे क्यों जवाब मांग रहे हैं आप लोग? जवाब तो देना पड़ेगा। देखिए, अभी तो उसके लिए आधिकारिक पुष्टि तो हुई नहीं है, उसकी बातें जो भी है चल रही होंगी, आधिकारिक पुष्टि उसकी नहीं है, लेकिन सेंट्रल के अंदर बैठी हुई सरकार तो उसका जवाब दे ही है। और जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो सवाल जनता के जवाब दे ही है, जनता के प्रतिनिधि है, जनता ने अगर उन्हें चुना है तो वो जवाब देने के लिए हम उसके जवाब मांग रहे हैं। पर अभी तो 9 साल हुआ है ना भाजपा को, 10 साल अभी होने ही वाला है। आप 70 साल राज करके चले गए, आपने कुछ नहीं किया, अब 9 साल में और वक्त दीजिए ना, तभी तो काम होंगे। 9 साल अगर उन्होंने किया तो जो उन्होंने वायदे किए हैं वो कम से कम एक आध दो तो गिनवाएं। सरकार ने नोटबंदी की तो उसको गिनवा दें कि नोटबंदी में हमें ये फायदा हो गया, इतने करोड़ों का, इतने अरबों रुपए का जनता को फायदा हो गया, कोई गिनवाए तो सही। आधिकारिक रूप से आप बताइए अपने माध्यम से, अगर किसी ने भी कोई पुष्टि की हो तो गिनवा दे। भ्रष्टाचार कम होने की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा है। कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से अगर पार्टी से संतुष्ट नहीं है, इधर निकलता है, ईडी वाले उसके गेट के बाहर खड़े हुए, क्या भ्रष्टाचार कम हुआ? इसे भ्रष्टाचार कम कहते हैं आप लोग बताइए? 70 साल में कांग्रेस करके गई है, भ्रष्टाचार टाइम तो लगेगा ना। कोई भी भ्रष्टाचार आरोप लगाने में वो लगाते रहे, 70 साल किया है तो 70 साल अगर किसी ने राज किया तो अपने दम पर किया। टेक्नोलॉजी राजीव गांधी जो लेके आया वो आज तक अभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जो टेक्नोलॉजी राजीव गांधी जी की टाइम में आई, डिजिटल इंडिया बन रहा है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के वक्त में, शायद लोग भूल गए, आज के युवा भूल सकते हैं, हम नहीं भूल सकते। इंदिरा गांधी जी के टाइम पे जो अंतर्राष्ट्रीय छवि इस भारत की थी वो आज कहाँ आपको दिख रही है? अब उस वक्त क्या कम थी जो आज लोग बता रहे? क्या 9 साल में ही हमने सब कुछ खाना सीखा है? क्या हमने सब कुछ अपने इंडिया में ही सब कुछ बनाया? लेकिन आज उसका बखान बहुत हो रहा है, जो हो रहा है ये टीकाकरण पे जो इतने बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे, तो हमारी इंदिरा गांधी जी ने उस वक्त कितनी बीमारियां आई थी, किसी का एक नेता का पोस्टर नहीं होता था। आप टीकाकरण पे पोस्टर हो, राजनीति करते हो, करोड़ों रुपए हमारे जनता के खर्च करते हो, कोई भी हो, पेट्रोल पंप हो, कहीं हो, आप फोटो लगवा रहे हो, किसके लिए लगवा रहे हो, किसके लिए लगा रहे हो? वो पैसा हमारा है। अच्छा। उस पैसे का आप दुरुपयोग कर रहे हैं, आज खुलेआम कर रहे हैं, दुरुपयोग हो रहा है ये, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है। जो आवाज उठाता है, जो अपनी बात कहता है,
उसके यहाँ सीबीआई ईडी के लोग वहाँ पे बैठे हैं गेट के बाहर गाड़ियों के अंदर और वो तुरंत आ जाते हैं। तभी तो जो है विपक्ष बौखलाया हुआ है इन पर ईडी सीबीआई की छापे गए। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पूरा विपक्ष जेल के पीछे होने वाला। लेकिन क्या लोकतंत्र के अंदर ये जरूरी है कि आप जो है व्यक्ति विशेष या किसी एक पार्टी को निशाना बनाकर अपनी राजनीति को चमकाए? ये कौन सा लोकतंत्र है? क्या लोकतंत्र 17 साल पहले नहीं था? ऐसी जो ये जो राजनीति चल रही है, ये राजनीति अपने लिए लोग चला रहे कि मेरी सीट ना छिन जाए, जनता जाए भाड़ में। कोई प्रधानमंत्री कहते हैं कि 70 साल में जो आप विकास भारत देश का नहीं कर पाए वो हमने 9 साल में करके दिखा दिया। तो वो दिखाएं तो सही, आप ही दिखा दो कहाँ है वो विकास। देश में डंका बज रहा है मोदी जी का। वो मोदी जी का डंका तो सब जगह बज रहा है, मैं मान गया। इंदिरा गांधी का डंका कम था क्या? ये जो आज जो दिखावे की राजनीति रह गई है, आपके माध्यम से मैं बता रहा हूँ, दिखावा है। एड चला दो, आप किसी को कुछ भी बता दो। क्यों? क्योंकि आज मीडिया को भी दबाया हुआ सच्चाई है, कोई इसमें दो राय नहीं है। ये बातें मैं नहीं कह रहा, सभी लोग कह रहे हैं। क्या लग रहा है 2024 से पहले आप जवाब मांग रहे हैं, जवाब दो, हिसाब दो, तो वो हिसाब दे पाएंगे क्या आपको? वो तो देखेंगे, पब्लिक मांगेगी, देना पड़ेगा उनको। हाँ। देना पड़ेगा और देना। और जो आप 70 साल की जो जॉब सरकार बनाए, एम्स जितने सारे एम्स के लिए बोला था, इतनी 100 स्मार्ट सिटी के लिए बोला था, किसान बैठे रहे, हमारा कितना 300-700 किसान मर गया। एक बार उनको मिलने के लिए उनके पास में समय नहीं है, पत्रकार को कोई वो समय नहीं देते हैं, अपने मन की बात सुनाते हैं और चले जाते हैं। कह रही कि मणिपुर में विपक्ष जा रहा है, वो मणिपुर के लोगों को भड़का के आ रहा है वहाँ पर। मणिपुर के अंदर विपक्ष नहीं जा रहा, विपक्ष जा भी जाता है, विपक्ष को जाना भी चाहिए क्योंकि उनका राइट बनता है। लेकिन अगर विपक्ष भी ना जाए तो जितनी खबरें आज लोगों को पता है वो भी ना पता लगती। कांग्रेस का अस्तित्व खत्म होने वाला है या इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में उभर के आने वाली कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस दोबारा से फिर जिंदा हो रही है, बड़े जोरदार तरीके से हो रही है। हम हिमाचल में भी गए थे, मैं और मेरे बड़े भाई वीरेंद्र कसान आए, हम वहाँ गए थे, वहाँ से भी कांग्रेस जीती है। और हमने इलेक्शन होने से पहले ही हमने वहाँ दौरा किया था, तभी हमें पता लग गया था कि लोगों में बीजेपी के खिलाफ रोष है और कांग्रेस दोबारा फिर आएगी। जी, मेरा कहना तो ये है कि सिर्फ काम करने वाली पार्टी एक ही है, वो है कांग्रेस पार्टी। जिन्होंने काम किया है और जिसका एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है, चाहे वो कुर्बानी देने की हो। आज अगर कोई बड़ा नेता ये कह देना, आज बीजेपी का नेता कहे तो सही कि किसने अपने परिवार ने शहीदी दी है, किसी ने बलिदान दिया, देना गिनाए ना, कोई हिसाब गिनाए। आज बातें बोलने के लिए सबके पास बहुत कुछ है, लेकिन ये पार्टी ऐसी है जिसने जिसका इतिहास है, जिसने बलिदान दिया है, अंतर्राष्ट्रीय छवि बढ़ाई है और विकास किया है। असल मायने में अगर विकास किया है, और शीला दीक्षित जी को कैसे दिल्ली की जनता भूल जाएगी? ये दिल्ली की जनता भूल ही नहीं सकती। शीला दीक्षित जी के टाइम पे जो विकास हुआ था, वो शायद ये जो अभी एक नई सरकार है बरगलाने वालों की, वो सोच भी नहीं सकते उसको। एजेंडा क्या होने वाला इस बार? ना हम गाड़ी लेंगे, ना बंगला लेंगे, ना सिक्योरिटी लेंगे, जो कह रहे थे अजीत केजरीवाल को। जो जो आप मैडम कह रहे हो, जो भी कुछ हुआ इस देश में ना, आप पिछले 100-150 साल चले जाओ, जो भी हुआ है, जो हुआ पिछले 70 साल में हुआ है, 9 साल से क्या हुआ बताओ तो, आप क्या हुआ है? सिर्फ हवा हवाई, सिर्फ हवा हवाई। कांग्रेस 30% कमीशन वाली पार्टी। आज ये देखने दिखाने की बात करते हैं ना, वो जो आज वो उन्हीं का किए चलाए थे, उनको दिखाने की बात करते हैं। आज नया आप बता दो है, वो ट्रेन चलेगी, कौन सी ट्रेन चलेगी, वो चल गई है, स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आज जो स्मार्ट सिटी की बात है उनको दिखा दो, फिर गांव गांव को तो एक एक सांसद ने, उन गांव की हालत दिखा दो आप लोग जाकर। आज मीडिया देखो, आज अखबार देखो, जहां देखो सब लोग कांग्रेस को, हाँ सब कांग्रेस को दबाने पे लगे हुए हैं। लेकिन अब जनता सिलेंडर कम हो गया, कोई एक चीज तो गिनाए की बात करो। सिलेंडर 400 रुपए का था, अभी कितने का कर दिया? 15 लाख देंगे, दे दिया। 2 करोड़ नौकरी देंगे, दे दिया। तो जनता को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। जनता बिल्कुल 2 रुपए सिलेंडर बढ़ा। अभी पंजाब में मैं गया हूँ, हमारे रिश्तेदार रहते हैं, वो कहते हैं जी प्रधानमंत्री जी ने 200 रुपए सिलेंडर कम किया। वो कम करने की बात तो आती है, लेकिन अगले ही महीने 209 रुपए फिर बढ़ा दिया, तो 9 रुपए फालतू देने पड़ रहे हैं, कम कहाँ हुआ? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आप पीछे देख सकते हैं तमाम ढोल ताशे यहाँ पर बज रहे हैं, प्रतिज्ञा विशाल प्रतिज्ञा रैली ये लोग कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से जवाब मांग रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख सभी के खाते में देंगे और बेरोजगारी खत्म करेंगे, रोजगार लाएंगे, तो तमाम ये उनके वादों का हिसाब मांग रहे हैं क्योंकि वो वादे सिर्फ कागजों में तो दिखाई दिए पर जमीनी स्तर पर उतर ही नहीं पाए, इनका ये आरोप है। पर देखना यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी इनको ये जवाब देगी या नहीं, और लोकसभा 24 में चुनाव आने से पहले क्या कांग्रेस पार्टी अपना अस्तित्व खड़ा कर पाएगी, क्या आगे आ पाएगी। आप देख, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे NCR समाचार।